सुप्रभात सभी को, नमस्कार सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ सिमरन, हमारी युवा साधिका। इतनी सुंदर इनकी साधना, बच्चों की क्लास भी आजकल चला रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से सिमरन के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में हमारे घुटने ना उठें, रीढ़ और गर्दन यथासंभव सीधी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को सामने आसन पर लगाने की कोशिश करें, अंदर से अंदर खींचने का प्रयास करें। करते जाएं, एक बार आगे की ओर, एक बार अंदर की ओर, अपनी क्षमता के हिसाब से। अब गोल गोल घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ, घेरा बड़े से बड़ा हो, गति धीमी हो, साथ साथ प्रभाव को देखिए। अब घेरे को विपरीत दिशा से बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। करिए, पंजों को मिलाकर करिए, मुस्कुराते हुए करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, श्वास को सामान्य करेंगे, हल्का विश्राम करेंगे। दोनों पांव को आधा फिट खोलकर दोनों पंजे एक साथ आसन पर लगाएं, पांव के अंगूठे पूरी तरह खींच के करें। बहुत ही अच्छा इससे प्रभाव आता है। जब बाहर की ओर पांव के अंगूठे भार पंजे जाएं तो छोटी उंगलियां आसन को छुएं, जब अंदर की ओर आएं दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को छुएं। लगातार पंजे सामने की ओर तान के रखें, कोशिश करें। हाथों का सहारा लेकर करते जाएं। वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम लेंगे। अपने राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथों से उंगलियां फंसाकर पंजे को ग्रिप कर लें। नीचे ऊपर से यहां से ग्रिप करेंगे और दोनों राइट पांव को बिल्कुल सीधा कर देंगे, घुटने को बिल्कुल सीधा करेंगे, पंजे को सामने तान देंगे, नीचे वाले पांव को, घुटने को कोशिश करें ऊपर से ऊपर ले जाने की। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए बिल्कुल पांव सीधा है। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आएंगे, हाथों को भी पंजों पर रखकर वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पांव से, ग्रिप करें, धीरे धीरे पांव को खोलें, घुटने को यथासंभव सीधा करें, नीचे पंजे को तान दें और खिंचाव को देखिए। बहुत बढ़िया से मांसपेशियां प्रभाव में। नए साधक हल्का उनका घुटना मुड़ रहा होगा, लेकिन प्रयास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, बिल्कुल सिमरन की भांति आप भी कर पाएंगे। अब पांव को सीधा रखते हुए हाथ को भी नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे एड़ी को वापस लाने की। रिलैक्स, सामान्य श्वास, हल्का सा विश्राम लेंगे, थोड़ा दोनों पांव को खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए वी शेप में, हल्का सा, जैसे हम चक्र आसन, ये कमर चक्र आसन करते हैं, कुछ कुछ वैसा करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कमर से नहीं झुकेंगे। अब हाथ को लेकर जाएं लेफ्ट पंजे की ओर, राइट हैंड को, और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते जाएं, धीरे धीरे करते जाएं, थोड़ा स्पीड से करते जाएं। करिए जी स्पीड से,
वेरी गुड वेरी गुड, करिए जी करिए, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। और थोड़ा पांव खोलें अगर खोल सकते हैं, करिए जी करिए, हल्की सी स्पीड बनाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आ जाएं, पांव में दूरी कम, हल्का विश्राम। चक्की चलाएंगे, दोनों हाथों को क्लैंप करके आगे से आगे दोनों मुट्ठियाँ लेकर जाएं, पूरे हाथ दोनों हाथों को, और गोलाकार घुमाएं, पीछे की ओर जाएं। बहुत बढ़िया, देख लें अगर समझ में ना आए तो आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रखी हुई हैं, पंजों को भी तान रखा है, आप भी साथ साथ करें। अब इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, करिए जी करिए, कोशिश करें आपकी कलाइयाँ पंजे के निकट पहुँचें या पंजे से आगे पहुँचें, इसके लिए कमर का उपयोग करें, कमर को आगे की ओर झुकाना हर बार महसूस करें, पिछली बार से और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, खुश होकर करना है, आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव निकट लेकर आएंगे, दोनों हाथों से क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करेंगे, करिए जी करिए, कमर को लगातार सीधा रखें जी, कमर सीधी रखनी बड़ी ज़रूरी है, आसन की क्रियाएं हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो, हमारे पांच चक्र रीढ़ के पूरे हिस्से पर हमारे स्थित हैं, प्राण शक्ति सरलता से पहुंचती है, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो, खुशी हो, सुबह की समृद्ध बेला में सुबह सवेरे योग साधना केवल और केवल ईश्वर कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से संभव है। अपने भाग्य को सराहें, मन ही मन आनंदित हों और उत्साह के साथ करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करेंगे, हल्का विश्राम देंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी राइट लेग को मोड़कर नाभि के लेफ्ट साइड में रखें, लेफ्ट लेग को मोड़कर एड़ी को नाभि के राइट साइड में रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, मुस्कुराते हुए अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना, मन को शांत होते हुए एकाग्र होते हुए महसूस करें, अगला एक घंटा पूरी ईमानदारी से केवल शरीर ही आसन पर नहीं रहे बल्कि मन और मस्तिष्क भी पूरी तरह वर्तमान में रहे, पूरी तरह आपका ध्यान रहे हर एक क्रिया के ऊपर। आइए तीन बार ओम ध्वनि करें, एक बार गायत्री मंत्र करें, सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ बोलेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, ओम।
सवितुर्वारे नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव को हल्का सा रिलैक्स करेंगे, सामान्य करेंगे और बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। कोशिश करें, दो बार बैठने का फिर से करेंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। करिए जी, कोशिश करिए, फिर से बैठिए, फिर से खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड, दोनों हाथ नीचे, हल्का विश्राम, एड़ी पंजे मिलाएं जी, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, पांच उंगलियां मिली हुई है। ताड़ासन करेंगे लेकिन दूसरी तरह से करेंगे। अब दोनों हाथ को हथेली का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए धीरे धीरे साइड से लेकर जाएंगे आकाश की ओर। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, इसमें हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी और कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। खींचेंगे ऊपर से ऊपर, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, खींचिए ऊपर से ऊपर। अब जो साधक साधिकाएं अपनी एड़ियों को भी हल्का उठा सकते हैं उठाएंगे, अन्यथा इसी स्थिति में रुकेंगे। कोशिश करिए, हल्का सा पंजों पर पूरा प्रेशर आए, एड़ियां उठी हो, जब ना रुका जाए एड़ी आसन पर, फिर ऐसा ऊपर उठाएं। करिए जी ऐसा दो बार तीन बार, जो लगातार कर सकें लगातार रुकें, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, कलाई ना घूमे जी। कोशिश करें कलाई इस प्रकार रहे कि हथेलियाँ विपरीत दिशा में हों, प्रभाव के साथ जुड़ें जुड़ें जुड़ें। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए एड़ियाँ लगातार हवा में हैं सिमरन की, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं है, लगातार खुशी का एहसास। थोड़ा समय लगाएं, सारी हड्डियाँ मांसपेशियाँ प्रभाव में हैं। धीरे धीरे एड़ियों को पहले रखेंगे आसन पर, भुजाओं को खींचेंगे ऊपर और तानते हुए धीरे धीरे साइड से भुजाओं को वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास। अब यहां से हम करेंगे कटी चक्र आसन, दोनों पांव में कंधों के समान फासला, पंजे आपके बाहर की ओर ना हो, बिल्कुल सीधे हों। अब दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने लेकर आएं, हथेलियां आमने सामने। पूरी क्रिया के दौरान हाथ आपके इतनी ऊंचाई पर ही रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में ले चलें, गर्दन भी साथ साथ घूमें, बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की कोहनी मुड़ जाएगी लेकिन राइट हैंड की कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी, कंधे का प्रेशर बनेगा दूसरी ओर, पांव के पंजे अपनी जगह से रत्ती भर भी ना हिलें। पंजों को हिलाकर अगर आप ज़्यादा घूमें उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जी। धीरे धीरे आएंगे सामने की ओर और तानते हुए ले चलें लेफ्ट साइड में, पंजों को ना हिलाएं जी बिल्कुल भी, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, गर्दन साथ साथ घूमेगी जी, गर्दन भी लेफ्ट साइड में घूमेगी। लेकर आएंगे सामने, श्वास भरते हुए राइट साइड में ले चलें, पिछली बार से और अधिक अच्छा प्रयास हो। धीरे धीरे सामने लाते हुए लेफ्ट साइड में ले चलें, कटी भाग को प्रभावित करना है, कटी भाग नाभि से
ऊपर का हिस्सा। अब शब्दों पर चलेंगे, मेरे शब्दों के हिसाब से स्पीड बनेगी आपकी। लेकर जाएं राइट साइड में, लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट राइट, हाथ मत लटकाइए जी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है, राइट लेफ्ट, एक बार फिर से राइट लेफ्ट, सामने लेकर आए, दूर से दूर ताने कंधे की सीध में, और तानते हुए बुझाएं वापस। हल्का विश्राम लेंगे, आंख बंद करके सामान्य श्वास, बहुत अच्छा कंधों पर प्रभाव आया, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। खड़े खड़े करेंगे उष्टासन, अपने दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर लगाएं, चारों उंगलियां बाहर की ओर, धीरे धीरे नाभि के पीछे, कमर से पीछे की ओर मोड़िए, गर्दन भी पीछे की ओर, झटका नहीं देंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, कहीं पर भी बेचैनी आए, तनाव आए, वहीं पर रुकेंगे या सामान्य होकर विश्राम करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आना चाहिए, घुटने ढीले ना पड़े, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, रुके रुके रुके, धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से आना है वापस, दोनों हाथ शरीर के साथ, रिलैक्स रिलैक्स, हाफ बेंडिंग करेंगे, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, पांव में कंधों के समान फासला, घुटने पर प्रभाव आएगा आपकी बार, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे। अब कोशिश करेंगे घुटने आगे ना निकले जी, घुटने एड़ी की सीध में रहे, आपकी थाई जो है घुटने से हिस्सा वो पीछे की ओर जाए, घुटने आगे निकल रहे हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा घुटनों को और पीछे करें और फिर उसके बाद नितंब को नीचे की ओर करें, बहुत बढ़िया, करिए 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 जी करिए, बहुत बढ़िया, कलाई सीधी रखेंगे, थोड़ा और प्रयास करें, घुटने पीछे जाएं तो, धीरे धीरे आएंगे वापस, एक बार इसी स्थिति में रुकें, मन बनाए फिर से गहरा श्वास भरकर, श्वास छोड़ते हुए जैसे अभी खड़े हैं घुटने ऐसे ही रहें, आगे ना जाएं घुटने और आपका थाई पीछे जाए, कोशिश करें जी, मोड़िए हिप्स को पीछे लेकर जाएं, कोशिश करें एड़ी से घुटने की ऊंचाई 90 पर रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक बार ऐसे ही धीरे धीरे, जो बैठ सकते हैं उकड़ू बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएंगे जी, उकड़ू बैठ जाएं, इसी अवस्था में देखिए कितनी सहजता के साथ सिमरन आपको अभ्यास करके दिखा रही है, और अब धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे आराम आराम से, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, बहुत बढ़िया से आपने आसन किए, सुंदर सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं, वार्म अप क्रियाएं की, हमेशा मैंने बोला है कि सूक्ष्म क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको आपने हल्के में नहीं लेना। चलिए जी, एड़ी मिलाकर पंजे खोल लें, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा, सबके होठों पर मुस्कान हो, अपने आप में पूर्ण आसन है, शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन है, 12 क्रियाओं के दौरान आंखें बंद रहे, ध्यान पूरी तरह आपका प्रभाव पर आए। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पहले मेरी आवाज को सुने फिर परिवार के साथ बोलें, ओम आदित्याय नमः,
श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखें, भुजाओं को कान के साथ या कान के पीछे रखें, हल्का सा कंधों का दबाव, गर्दन का दबाव पीछे बनाएं, घुटनों को ढीला ना छोड़ें, विशुद्धि चक्र पर ध्यान हो, गले के रोग ठीक हो जाते हैं, आलस्य दूर हो जाता है। खींचिए एक बार गहरा श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए कमर का उपयोग करें, कमर से झुकें, भुजाओं को मत हिलने दें, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर संकुचित करें। बहुत अच्छा बेटा, देखिए घुटने सिमरन के बिल्कुल सीधे हैं, थाई की मांसपेशियां टाइट है, घुटने को पीछे की ओर धक्का दिया जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये क्रिया, कमर का उपयोग करना है आपने, कमर में लचीलापन होगा तभी आपकी क्रिया आगे हो। घुटने को मोड़कर हमने ये क्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी। प्रयास जारी रखें, लगातार साथ साथ नाभि को अंदर की ओर सिकोड़िए। बहुत बढ़िया, जिनकी उंगलियां लगे वो हथेली लगाने की कोशिश जरूर करें। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर राइट लेग को पीछे ले चलें, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाएं। पूरी हथेली आसन पर लगानी है आपने, दोनों हथेलियों पर शरीर का समान भार आए, ऐसा ना हो कि एक तरफ भार ज़्यादा हो, एक तरफ केवल नाम मात्र के लिए आपने हथेली रखी हुई हो। थोड़ा गर्दन को भी पीछे करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान होना चाहिए आपका, आंखें बंद होनी चाहिए, पैनक्रियाज खिंचाव दबाव में है आपकी। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, उसी स्थान पर। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा। देखिए सबसे अच्छी बात है, बच्चे हमारे जो अभ्यास करते हैं वो इतनी सहजता से पांव को लेकर जाते हैं, रखते हैं, तो ऐसे लगता है कि कितनी आसान क्रिया है, कितनी सुगम, कितनी सरल क्रिया है। देखिए बिल्कुल एड़ियां जो है सिमरन ने, जैसे हम खड़े होते हैं वैसी ये स्थिति बनी हुई है। जैसे ये स्थिति बनती है, सोचिए आप, क्या पांव की मांसपेशियों में कभी कोई दोष रह सकता है? ठुड्डी कंठकूप में लगी हुई है, यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, बड़ी सहजता से आएगा। एड़ी से लेकर सर तक बिल्कुल एक सीध में लेकर आएंगे पूरे शरीर को। रुकेंगे रुकेंगे, हाँ बेटा तू, वेरी गुड। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नी लगाएंगे दोनों, फिर थोड़ा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए चेस्ट लगाएंगे, अंत में फोरहेड, माथा लगाएंगे। पंजे लगातार खड़े रहेंगे, हथेलियाँ चेस्ट के दाएं बाएं, कोहनियाँ आकाश की ओर होंगी, मन में प्रसन्नता होगी, धरती माँ का स्पर्श बड़ा आनंददायक, तनाव को दूर करने वाला, अनाहत चक्कर पर विशेष प्रभाव। ऐसा मन में भाव लेकर आएं, हमारा गुस्सा, हमारा बीपी, तनाव दूर भाग रहा है, सहन शक्ति का, शांति का हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुण आ रहा है। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़क उठाएंगे, नीचे पाँव की स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े, उठाएंगे जी, शरीर धड़क उठा दें, खोल दें कोहनियों को अधिक से अधिक, पीछे पाँव नहीं खुलेंगे जी। बहुत बढ़िया बेटा,
बहुत बढ़िया। यहाँ पर कंधे भी आगे की ओर ना झुकें, कोशिश करें कंधों का प्रेशर भी पीछे हो। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, सिमरन हमारी युवा साधिका। श्वास भरते हुए पीछे से धड़को उठाएंगे, बिना घुटने का सहारा लिए उठाएंगे, फिर से एड़ियों को आसन पर लगा देंगे, फिर से ठुड्डी कंठकूप में आ जाएगी, फिर से एक बार शरीर को वी शेप देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, कमर को नीचे की ओर दबाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर करेंगे। करिए करिए करिए, पीछे वाला पांव आपका आसन को ना छुए, हल्का सा मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हवा में रहे, घुटना ना लगे आसन पर, बस इस बात का प्रयास करें आप। थोड़ा गर्दन में अभी गुंजाइश है, गर्दन को बिना झटका दिए थोड़ा सा और प्रयास करें। करिए जी करिए। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाकर, भुजाओं को कान के साथ रखकर महसूस करें जो हमारी तीसरी स्थिति थी उससे थोड़ा और आगे हम बढ़े और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आई। मेरी उंगलियां, हथेलियां आसन के निकट पहुंच रही हैं अब। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से खींचेंगे भुजाओं को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। करिए करिए करिए। कुछ साधक कलाई मोड़ देते हैं, कलाई मत मोड़िए। कंधे से नाखून तक बिल्कुल एक सीध में शरीर हो, फिर कंधों का प्रेशर पीछे की ओर हो, लेकिन इस प्रयास में चेहरे की स्थिति ना बिगड़े। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। विशेष शक्ति को, ऊर्जा को महसूस करें। सूर्य नमस्कार ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है पूरे शरीर के अंगों को। प्रतिदिन हम जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। इस प्रकार मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अब अपने शरीर को, हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग रखेंगे, हाथ की उंगलियों को भी इतना ढीला छोड़ दें कि आपके बिना प्रयास किए अपने आप से वो हल्की सी मुड़ जाएं। जो आनंद की अनुभूति हो रही है अब, जो आपको सुकून मिल रहा है, जो प्रसन्नता हो रही है, उसके साथ खो जाएं। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, यहीं से पेट के बल आ जाएं जी, राइट साइड में करवट लेकर पेट के बल आ जाएं। पेट के और कमर के कुछ आसन करते हैं, थोड़ा रोक कर आसन करते हैं, सिमरन के साथ करते हैं। बहुत बढ़िया आसन करके
दिखाती हैं सिमरन। चलिए जी, यहाँ पर हम करते हैं नौकासन। पहले एक एक पांव से करेंगे, फिर दोनों से करेंगे, फिर इसकी दो तीन स्थितियाँ होती हैं, सबको करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिल्कुल तनाव में नहीं आएंगे, खुश होकर करेंगे। दोनों पांव मिलाकर, दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट हैंड आगे लेकर जाएं, आगे लेकर जाएं, बिल्कुल सीधा कर दें। हथेली का रुख आसन पर, लेफ्ट हैंड की हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा, शरीर के साथ रहेगी लेफ्ट हैंड। घुटने मिलाइए, एड़ी मिलाइए, पांव के अंगूठे मिलाइए, और अब श्वास भरते हुए आगे से गर्दन सहित धड़ को उठा दें, राइट हैंड को उठा दें और लेफ्ट पांव को उठा दें। पंजा तान दे जी दोनों पांव का, भुजा कान के साथ रहे, कोशिश करें कलाई सीधी रहे दोनों हाथों की, शरीर को टिल्ट नहीं करना आपने। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। आँख बंद करके रुक जाएं, पेट पर आते प्रभाव को महसूस करें। करिए करिए करिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। तनिक सा विश्राम लेकर हाथ की पोजीशन को चेंज कीजिए, रिवर्स कीजिए, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। उसी के बाद आप दूसरी क्रिया करेंगे। पुनः मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, मुस्कुराते हुए आगे से धड़ उठाएं भुजा सहित, पीछे से राइट लेग को उठाएं, दूर से दूर तानिए अपने पांव के पंजे को। घुटना किसी भी पांव का ना मुड़े, और खुश होकर के रुकिए। देखिए कितना अच्छा आपके पेड़ के ऊपर प्रभाव आ रहा है, कमर पर, थाई की मांसपेशियों पर, कंधे पर प्रभाव आ रहा है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, कलाई को सीधा करिए जी, कुछ साधक कलाई को मोड़ रहे हैं। करिए जी करिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शिथिल आसन राइट साइड में, दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई। सामान्य श्वास, कोशिश करें जो आपका मुड़ा हुआ पांव है अभी, वहां पर इतना ढीला छोड़े कि पूरी थाई आपकी आसन को छुए। जैसे आप पेट के बल लेटे हुए हों ऐसी स्थिति करनी है, इतना ढीला छोड़ना है अपने आप को। पुनः मन मनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अब की बार दोनों भुजाओं को आगे ले चलेंगे। हथेली का रुख पृथ्वी पर रहेगा, हाथों में गैप कंधों के समान रहेगा, पांव नहीं खुलेंगे, हाथ खुले रहेंगे। मन मनाकर एड़ी मिलाइए जी, अभी घुटने मिलाइए, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें चेस्ट सहित, पीछे से थाई सहित दोनों भुजाओं को उठा दें। कोशिश करें पेड़ के ऊपर पूरे शरीर का प्रभाव आए। रुक जाएं जी, रुक जाएं, आंखें बंद करके रुक जाएं, सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। करेंगे करेंगे करेंगे, खींचिए खींचिए भुजाओं को, बहुत बढ़िया। ये देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है जी सिमरन की, आप भी करिए। थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा, बहुत क्षमता है आपके अंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन लेफ्ट साइड में, बाई टांग सीधी, बाई भुजा सीधी, राइट लेग, राइट हैंड आपका मुड़ा हुआ, बिल्कुल रिलैक्स। जब हम विश्राम करें इतना अच्छा लगे आपको, क्योंकि आपने बिल्कुल आंख बंद करके ईमानदारी से 100% अपना दिया है। अपने आप के ऊपर गर्व महसूस हो आपको। एक बार फिर से मन मनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर रखें, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके गर्दन के पीछे रखें, आपस में उंगलियां फंसाकर गर्दन के पीछे रखेंगे। मन मनाएंगे जी, चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करेंगे,
घुटने मिलाइए, एड़ी मिलाइए, पांव के अंगूठे मिलाइए। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पुनः दोनों पांव उठा दें। कोहनियों को ढीला नहीं पड़ने देंगे। करिए जी, करिए। वेरी गुड। हथेली से प्रेशर गर्दन की पर और गर्दन से प्रेशर हथेली पर हो। रुकिए रुकिए, बहुत क्षमता है आपकी। जितना पंजे को तानेंगे उतनी बढ़िया स्थिति स्वतः ही बनेगी आपकी। बहुत अच्छा करिए बेटा। देखिए कोहनियाँ बिल्कुल एक लाइन में है। चेस्ट को थोड़ा और उठाइए जी, आप लोग भी उठाइए सिमरन के साथ। करिए करिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शिथिल आसन, आप जो तीसरी तरह का होता है, अपने बाएं या दाएं कान के नीचे दोनों हथेलियाँ रख लें, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली, और बिल्कुल सहज भाव से पंजों को भी ढीला छोड़ दें, एड़ियों को मिलाकर पंजों को बाहर की ओर खोल दें। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। चलिए जी, एक और करेंगे। नौकासन की स्थिति बहुत अच्छा कर रही है बेटा। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो उनके लिए बहुत ही लाभकारी, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कंफर्ट के साथ करेंगे। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों थैलियाँ अब की बार चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे, लेफ्ट राइट में, माथा या ठुड्डी आसन पर रखेंगे। देखिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब की बार हमने नाव को चलाना है, नौका को जैसे चलाते हैं वैसी स्थिति करनी है, हिचकोले लेने हैं। तो जैसे हाथों की स्थिति होगी, जैसे स्विमिंग करते हैं, और एक बार धड़ ऊपर उठेगा, एक बार नीचे आएगा, तो पांव और थाई ऊपर उठेगी, घुटने सीधे रहेंगे। मन बनाएं और सहज भाव से मस्ती के साथ क्रिया को आरंभ करें, स्विमिंग करना शुरू कर दें। और आगे पीछे, आगे ऐसे हाथ बेटा घुमाइए, हाँ वेरी गुड। ये देखिए पांव को सीधा रखकर घुटने बगैर मोड़े, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, आप भी करिए जी, करिए करिए करिए, 10 से 12 आवृत्तियाँ तो जरूर होनी चाहिए। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करेंगे, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर आपको साधना करके दिखाई है, कितनी तरह के आसन, एक ही आसन को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके दिखाया। बिल्कुल सामान्य हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। नए साधक किसी भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए जी, अभी जो हमने आसन किया इसी का विपरीत आसन करेंगे, लेकिन पुनः क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पेट के ऊपर ही प्रभाव आएगा, कमर पर भी प्रभाव आएगा। हस्त पादोतान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेली नीचे की ओर रहेगी। वेरी गुड बेटा। अब जैसे आपने अभी पेट के बल उठाया था, अब हमने कमर के बल उठाना है। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, गर्दन उठा दें, कंधे उठा दें, हथेली उठा दें, नीचे से दोनों पांव उठा दें। थोड़ा कंधों को और उठाएंगे, कोशिश करें कोशिश करें। करिए करिए करिए, हाथ की ऊंचाई एड़ी की ऊंचाई के समान हो, कंधे की ऊंचाई भी एड़ी की ऊंचाई के समान हो। रुकिए रुकिए रुकिए,
धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को तानते हुए पीछे लेकर जाएं एक बार, विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचें, पांव को खींचें और श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों भुजाएं धीरे धीरे ले चलें 90 डिग्री पर। गर्दन नहीं उठेगी अब की बार। वेरी गुड बेटा, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही परफेक्शन है। देखिए बिल्कुल घुटने सीधे हैं, पंजे तने हुए हैं, कलाई सीधी है। धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे, कोशिश करें आसन को ना छुएं, आसन के निकट आए और फिर उसके बाद ऊपर जाएं। एक सिमिट्री में 3 से 4 बार और करें। करिए जी अपनी क्षमता के हिसाब से, स्पीड बराबर रखनी है आपने, जाने की भी और आने की भी। करिए जी, जो लोग एड़ी आसन पर लगाकर करना चाहें एड़ी आसन पर लगाकर करें, लेकिन पटकने की आवाज़ नहीं आएगी। करिए जी अंतिम आवृत्ति करिए और रुक जाएं अब की बार। सामान्य श्वास, सामान्य श्वास, थोड़ा सा रुकिए रुकिए रुकिए। एक बार यहीं पर अपने दोनों हाथों को खोलिए लेफ्ट राइट में और पांव को भी खोलिए लेफ्ट राइट में, कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। वेरी गुड, करिए करिए करिए। दोनों पांव भी मिला लीजिए, हाथ भी ऊपर लेकर जाइए, गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास हैं, आँखें बंद हैं, आज का आखिरी आसन करेंगे, मरकट आसन करेंगे, बिना रुके करेंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, घुटने मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर जाएं, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में, घुटने जाएंगे राइट साइड में, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाओं को खींचिए, आँख बंद करके 5 बार इसकी क्रिया को करेंगे, बिना रुके करेंगे। पीक पोजीशन पर जाकर 1 या 2 सेकंड रुकेंगे और वापस आएंगे। करिए जी 5 बार। अपने आप करते जाएं, बिना रुके करते जाएं। बस आपने कोशिश करनी है दोनों घुटने मिले रहें, एड़ी मिली रहे, पीक पोजीशन पर पहुँचें, वहाँ पर 1 या 2 सेकंड रुकें बस, और फिर उसके बाद इमीडिएटली वापस आ जाएं। भुजाओं को खींचिए, भुजाओं को खींचिए। करते जाएं, करते जाएं, अंतिम आवृत्ति को करिए, 5वीं आवृत्ति को। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर लें, शवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी है, आंखें कोमलता से बंद हैं, होठों पर मुस्कान है। बहुत ही बड़ी आसन की आज आपने, रुक कर किए, रिपीट करके किए। ऊर्जा को महसूस करें, मुस्कुराते रहें, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। कल भी समय से जुड़ेंगे, कल हमारी विशेष कक्षा रहेगी प्राणायाम और ध्यान स्पेशल। जैसा कि आपको पता है, बच्चे हमारे बच्चों की एक क्लास चला रहे हैं 6:30 बजे से, सिमरन आजकल उसकी एंकरिंग कर रही है, पूरी क्लास को अलॉट करती है कौन आसन करेगा, कौन डेमो देगा और कौन करवाएगा।
तो आएंगे चेतन अवस्था में, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। सिमरन को हम आज्ञा देते हैं यहाँ पर, लेकिन हंसी के बाद और उस सिमरन की जगह आज बहुत दिनों बाद हमारी दूसरी युवा साधिका जिज्ञा वो हमारे साथ जुड़ेगी। तो आइए एक बार दोनों के साथ हंसी करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम और ध्यान जिज्ञा के साथ करेंगे और सिमरन जो है बच्चों की क्लास संभालेंगे। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी एक साथ जिज्ञा और सिमरन के साथ शुरू करें। हंस जाएं। मस्ती भरी हंसी। अंतिम आवृत्ति। शांत। वेरी गुड सिमरन बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत आभार। स्वागत है जिज्ञा का, पद्मासन लगा लीजिए। जिज्ञा के साथ सब लोग चलिए जी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करिए जी। गहरे लंबे श्वास, अपने श्वासों को देखते रहें, मुस्कुराते रहें, रीढ़ गर्दन लेकिन लगातार सीधी रहे। कुछ ही पल में आप महसूस करेंगे हल्कापन, विशेष अनुभूति, प्रभु के प्रति लगाव। पहला प्राणायाम हमेशा की भांति भस्त्रिका प्राणायाम, केवल एक मिनट का अभ्यास। समय का ध्यान मैं रखूंगा, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, मूल बंध लगाकर करेंगे। केवल यही प्राणायाम नहीं बल्कि सारे प्राणायाम, शक्ति लगाकर श्वास को भरना, शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ना, चेहरे पर तनाव नहीं आएगा। शुरू करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत
शांत अवस्था, कोई हिलडुल ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, श्वास को सामान्य होने दें, विशेष परिवर्तन को महसूस करें। पूरा श्वसन तंत्र हमारा प्रभाव में आता है, फेफड़े हो, नाभि मंडल हो, मस्तिष्क हो। चलिए जी, कपाल भाती का अभ्यास करेंगे, सभी करेंगे, 3 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। बीच में अगर थकान महसूस हो, सामान्य होकर फिर से हमारे साथ शामिल होंगे, जिज्ञा के साथ शामिल होंगे। मुस्कुराइए, दोनों हाथ घुटनों पर है, धीरे से श्वास को बाहर निकालिए, नाभि को ढीला छोड़कर अधिकाधिक श्वास भरिए, मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से श्वास को आने दीजिए, पुनः शक्ति लगाएं, श्वास को बाहर फेंकें। श्वास को छोड़ने की आवाज़ आनी चाहिए, श्वास के भरने की खुद को भी आवाज़ ना आए। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर हो, करिए करिए करिए, जबरदस्ती नहीं करेंगे। कहीं पर भी घबराहट लगे, श्वास को सामान्य करेंगे, पुनः शामिल होंगे। करते जाएं करते जाएं, बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम कर रहे हैं आप लोग। कपाल भाती प्राणायाम, मूल बंद लगाकर करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रख के करेंगे। आवृत्ति को पूरा करके शांत शांत अवस्था, सामान्य श्वास,
मन स्थिति को निहारें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन जिनसे ना हो, इसमें श्वास रोकते हैं हम, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ राइट हैंड को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। आगे की दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल पर लगाएंगे। अंगूठे को रखेंगे दाई नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाई नासिका पर। अब बाई ओर से अनामिका हटाते हुए चार की काउंटिंग में धीरे से श्वास भरेंगे लेफ्ट साइड से। नासिका को बंद करेंगे, दोनों नासिकाएं बंद हो जाएंगी। अब आठ की काउंटिंग में अंदर श्वास को रोकेंगे और उसके बाद अंगूठे को हटाकर आठ की काउंटिंग में श्वास को राइट साइड से बाहर करेंगे। अब राइट साइड से चार की काउंटिंग में श्वास को भरेंगे, आठ की काउंटिंग में दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। अंत में आठ की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति पूर्ण हुई, एक चक्र हमारा पूरा हुआ। ऐसे आप कम से कम पांच चक्कर और कीजिए। जो अनुपात आपको बताया गया है 4:8:8, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस अनुपात को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3:6:6 करिए, 5:10:10 करिए, लेकिन क्रिया के दौरान आपका श्वास उखड़ना नहीं चाहिए। पूरे प्राणायाम के दौरान बिल्कुल सामान्य महसूस करना है आपने, आनंद महसूस करना है। बहुत ही अच्छा, जिज्ञासा के साथ हम सुंदर प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। सभी की रीढ़ गर्दन सीधी है, सभी के चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है। बहुत ही प्रभाव देने वाली क्रिया आप कर रहे हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रिया कर रहे हैं।
शरीर की सभी व्याधियों को दूर भगाने वाली क्रिया आप कर रहे हैं। कोशिश करें, अगर हम मूल बंध लगाकर कर सकें तो और बढ़िया हो जाएगा, और ज़्यादा फायदे हम ले पाएंगे। श्वास इतना धीरे आपने भरना और छोड़ना होता है कि उसकी आवाज़ आपको खुद भी नहीं आनी चाहिए। लगातार मुस्कुराते रहिए जी। अपनी व्यक्तिगत साधना में 10 से 15 मिनट लगाइए समय प्राणायाम के ऊपर, एक प्राणायाम पर या दो प्राणायाम पर। बस आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आ जाएं। आंखें कदापि ना खोलें। प्राणायाम के बाद जब वापिस आते हैं उसके बाद आधा से एक मिनट उस प्राणायाम में खो जाना, उसके प्रभाव के साथ जुड़ जाना, ये भी प्राणायाम का एक अभिन्न हिस्सा होता है। आइए 10 मिनट प्रभु का ध्यान करते हैं, अंत में शांति पाठ करेंगे। बहुत ही प्यारा मौसम है, बच्चे हमारे इतना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन देते हैं, मन बड़ा खुश हो जाता है। हमारे जो भविष्य है, और इतनी तन्मयता के साथ बच्चे जुड़ते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, सुबह पूरे डिवोशन के साथ जुड़ते हैं। तो आइए उस प्रभु का ध्यान करें, पुकारें उस प्रभु को। पुकार में जितनी गहराई होगी, जितना अपनापन होगा, जितना स्नेह होगा, उतना आपको अच्छा लगेगा, ईश्वर की अनुभूति होगी। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें, बाईं हथेली के ऊपर, दाईं हथेली नाभि के निकट, बड़ी कंफर्ट पोजीशन में रखें। उन्हें रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। बाकी जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे बैठें। भरेंगे श्वास, पुकारेंगे प्रभु को मेरे साथ, परिवार के साथ।
शांत 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 अवस्था खो जाएं सुंदर अनुभूतियों के साथ। हर श्वास श्वास पर श्वास में ओम की शक्तियों को महसूस करें। लगातार प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, प्रफुल्लित रहें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी है। महसूस करें उस प्रभु का साथ, उस परम पिता परमेश्वर का साथ। प्रभु का स्पर्श कितना रोमांचित करता हुआ। देखते जाएं प्रभु को, देखते जाएं, देखते जाएं। कीजिए अपने मन की बातें प्रभु से। हंसिए प्रभु के साथ, खेलिए प्रभु के साथ, रोइए प्रभु के साथ। प्रभु से अच्छा हमारा कौन दोस्त हो सकता है, कौन हमारा अभिभावक हो सकता है, कौन हमारा साथी हो सकता है। प्रभु इतना आनंद आता है, बता नहीं सकते प्रभु शब्दों से। बस ये आनंद कभी कम ना हो, ये साधना हमारी कभी ना रुके, कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएं इस साधना को घर घर पहुंचाने में, लोगों को के जीवन में बदलाव लाने में। बस प्रभु ऐसी शक्ति दे दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए, ये प्रेरणा सदैव बनी रहे। मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रभु आपका साथ ना छूटे। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए, प्रभु को अपने हृदय में निहारते रहिए, धारण कर लीजिए। आइए, समय की अपनी सीमाएं हैं। शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम देंगे। पुनः लंबी ओम ध्वनि के लिए लीजिए गहरा लंबा श्वास। अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति।
बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। जब मन करे धीरे से अपनी आँखें खोलेंगे। एक बार फिर से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सभी साधक साधिकाओं का धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन आप समय से जुड़ते हैं। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं आज सिमरन, सारे आसनों का अभ्यास करवाया, जिज्ञा बेटी हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ी, सुंदर प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करवाया, ईश्वर इनको और अधिक आशीर्वाद दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये योग में जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, पूरा परिवार इनका, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करें, एक अच्छे इंसान बने, सबसे खास बात ये। तो आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। श्रीमान वेद सैनी जी जो हमारे जिला प्रधान हैं वेस्ट एनक्लेव जिला के, उनका गाइडेंस इसी प्रकार मिलती रहे, हमारे डालेमिया जी, आहूजा जी, तलवार जी की भी गाइडेंस लगातार मिल रही है, मिलती रहे, सभी का धन्यवाद करते हुए, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।